ओम ज्ञान तिम्रां दशो ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वभदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आओ सत्संग प्रेमी जनों, मेरे बहन और भाइयों, श्रीमद् भागवत गीता एज इट इज चैप्टर सेकंड वर्स टेक्स्ट 23 नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन सुन रहा है। अर्जुन शोक युक्त है, अर्जुन के हृदय में बड़ा दुख है। दुख तभी मनुष्य को होता है जब अज्ञानता में होता है। आत्मा के लिए कोई दुख नहीं है, आत्मा कभी दुखी होती भी नहीं। आत्मा को कोई बाधा उपस्थित नहीं कर सकता, लेकिन इस शरीर के सामने दुख आते हैं और ये दुखी होता है मन। ये सब भौतिक प्रकृति के ही खेल हैं। आत्म स्तर पर ना दुख है ना सांसारिक सुख है, फिर भी भगवान की लीला है कि ये आत्मा ये संसार में ये मन और बुद्धि के कुछ आधीन सी हुई या इनका कहा मान करके, जैसे मन कहता है ऐसी आत्मा भी हो लेती है साथ। मन कहे कि आइसक्रीम खानी है तो आत्मा उसको कंट्रोल नहीं करती और कहती है ओके, सैंक्शन मिल जाती है कि खा लो, क्योंकि आत्मा को तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जिस शरीर को लेकर के हम चल रहे हैं यात्रा पर, इस शरीर को फर्क पड़ता है, दुख का या सुख का, धूप का या छांव का, गर्मी का या सर्दी का, ये शरीर को तो फर्क पड़ेगा। 100 डिग्री टेम्परेचर कर देंगे तो 110 डिग्री टेम्परेचर होगा तो मृत्यु हो जाएगी शरीर की, हॉट होगा। और यदि बिलो होगा 0 डिग्री पर होगा तो ये फ्रीजी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए धूप छांव का या सर्दी गर्मी का ये शरीर को तो फर्क पड़ेगा, दुख सुख का भी, लेकिन आत्मा को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आत्मा तो, आत्मा के अंदर कोई विकार पैदा नहीं होता, फिर इसको कैसे कोई रोग सताएगा। ये तो अविनाशी है, ये क्षीण भी नहीं होती, ये अव्यय है, इसको हानि नहीं होती, ये आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि,
नयन दहती पावका न चैनम कलेद्यंत्यापो नाशोषियती मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई भी अस्त्र शस्त्र टुकड़े करने में सक्षम नहीं है। किसी भी प्रकार से इस आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते। कैसे करोगे? ये तो अप्रमेय है, इस ये नाप तोल में ही नहीं आती। कोई कहे कि एक सेंटीमीटर है, आधा सेंटीमीटर है, 1/4, 1/8 सेंटीमीटर है, तो शायद टुकड़े किए जाए, लेकिन इसका ये मेजरमेंट से भार है, अप्रमेय है, इतनी सूक्ष्म है कि देखने में टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के भी नहीं आती। तो फिर कैसे इसका छेदन करोगे? कैसे इसका भेदन करोगे? कैसे इसके टुकड़े करोगे? कैसे विभाजन करोगे? नैनम छिन्दन्ति, इसका छेदन नहीं किया जा सकता, इसको तलवार काट नहीं सकती। नैनम दहति पावक, पावक यानी अग्नि, कोई अग्नि इसको जला नहीं सकती। एटम अग्नि का ही एक बड़ा विस्फोट है, एटम भी इसको जला नहीं सकता, न नष्ट कर सकता, न हानि पहुंचा सकता। ये क्षय नहीं होती, इसमें हानि नहीं होती, ये अव्यय है, ये व्यय नहीं होती, अछेद है, इसके टुकड़े नहीं होते। न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कोई शस्त्र इसको टुकड़े नहीं कर सकता, काट नहीं सकता, कोई अग्नि इसको जला नहीं सकती। न चैनम कलेद्यंत्यापो, आपो यानी जल, कोई जल इसको गीला नहीं कर सकता, पिघला नहीं सकता। जल में अक्सर वस्तुएं पिघल जाती हैं, गल जाती हैं, मल्ट हो जाती हैं, गीली हो जाती हैं, लेकिन आत्मा को जल स्पर्श ही नहीं कर सकता। कृष्ण जी कह रहे हैं, न च एनम कलेद्यंत्यापो नाशोष्यति मारुतः। मारुतः मीन्स हवा, पवन, कोई ऐसी वेगवती पवन, 49 प्रकार की पवन है, जिनमें से 10 पवन आपके शरीर के अंदर विद्यमान रहती हैं जब तक आपका जीवन रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई पवन ऐसी नहीं है जो इसको सुखा सके। नो एनी विंड कैन ड्राई अप दिस सॉल, इस आत्मा को कोई भी तूफान वेगवती वायु नहीं सुखा सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम कलेद्यंत्यापो नाशोष्यति मारुतः। ये अर्जुन, ये आत्मा मेरा अंश है, इसके अंदर मेरे जैसे ही गुणधर्म है, इसको किसी भी प्रकार से कोई छेदन नहीं कर सकता, काट नहीं सकता। तो तुम कैसे सोचते हो कि तुम्हारे तीरों से ये आत्माएं कट जाएंगी, क्षत विक्षत हो जाएंगी? आगे भगवान ने कहा है, अछेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्यो असोष एव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलो अयम सनातन। सनातन, सनातन का नाम, सनातन शब्द आपने बार बार सुना है, इस शब्द से ही सनातन धर्म चला, शब्द भी चला आ रहा है। सनातन का मतलब यह है जो सदैव के लिए है, फॉर एवर,
सनातन, ये आत्मा को सनातन कहा है, फॉर एवर। ये नहीं कि पहले ये नहीं थी या अब नहीं है या आगे नहीं होगी, ये सनातन है, फॉर एवर है। अल्फा एंड ओमेगा है, बिगिनिंग लेस एंड एंड लेस है, ये आदि है और अनादि है। क्यों? क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का एक अंश है, वो अंशी है, वो परम पिता है, परमेश्वर है, हम उनके अंश हैं, दास हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनके अंश हैं। और उनके विभु में से, शरीर में से जो किरणें निकल रही हैं अपार, उन किरणों में एक अंश स्वरूप से हम भी हैं। इस संसार में उतरी हुई किरणों में ये 24 तत्वों के पुतले को लेकर के, ये शरीर को लेकर के, ये सूक्ष्म शरीर को लेकर के, ये कारण शरीर को लेकर के हम यहां पर व्यक्त हो गए हैं, व्यक्ति की तरह कि हम हैं, हैं, लेकिन हम जो समझ रहे हैं वो हम नहीं हैं। कोई कहेगा हम 6 फीट के हैं, नहीं, यहां तो बतलाया ही नहीं जा रहा कि आप 6 फीट के हैं। आप आत्मा हैं, आप 6 फीट के कैसे हो सकते हैं? हां, आपका शरीर 6 फीट का हो सकता है, या 5 फीट 10 इंची हो सकता है, 8 इंची हो सकता है, या बौना हो तो 2.5 फुट का भी हो सकता है, लेकिन यहां तो आत्मा का स्वरूप ही बड़ा सूक्ष्म बतलाया है। केशाग्रे सतभागश्य शतांश सादृशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूप वयम संख्याती तो ही चित्कण। ये असंख्य आत्मा है, एक अंश स्वरूप से बाल की नोक के अगले हिस्से के 10,000 टुकड़े किए जाएं, करके देखिए, थोड़ा एक डॉट लगा के उसके 10,000 टुकड़े तो कीजिए, तो क्या बचेगा, कैसे दिखाई देगा बड़े बड़े यंत्रों से? तो ये आत्मा का देखना भी असंभव है इन भौतिक चक्षुओं से, ये अति सूक्ष्म है। जय गोपाल। जय गोपाल। तो ये श्रीमद् भागवत गीता 2 अध्याय के 24वें श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये आत्मा अछेद है, इसको कोई काट नहीं सकता, छेदन नहीं कर सकता, टुकड़े नहीं कर सकता। अछेद्योयम अदायोयम, तो इसको कोई जला भी नहीं सकता। अछेद्योयम अदायोयम एक्लेद्यो ऐशोष एव चो, यही तो पिछले श्लोक में भगवान ने कह दिया है, फिर दोबारा भी इसी बात को कह रहे हैं। ध्यान दीजिए जरा, क्यों ये बात को दोबारा दोहरा रहे हैं? अभी तो थोड़ी देर पहले कहा है कि न एनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, न एनम दहति पावक, न च एनम कलेदयन्त्यापो नाशोषयति मारुतः। उसी बात को दोबारा, ये क्यों? एक बार चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे थे कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही एकमात्र मार्ग है उस परमेश्वर की ओर जाने का। कलो, कलयुग में स्पेशली कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। 3-3 बार दोहराया कि कलयुग में और कोई मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है।
उस परम गति को प्राप्त करने का, उस परमेश्वर को प्राप्त करने का, उस वैकुंठ को प्राप्त करने का। एकमात्र हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। लगता तो ऐसा है जैसे हरि के नाम के सिवा और भी मार्ग हैं, अवश्य है, बतलाएंगे। यहां तो बात हो रही है कि भगवान एक एक शब्द को, चैतन्य महाप्रभु जी एक एक शब्द को तीन तीन बार दोहरा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। ये रहस्य है भक्ति से ही, और भक्त को ही इसका पूरी रूप से आभास और अनुभव और श्रद्धा विश्वास हो पाता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण थे। आज से 540 वर्ष पहले उनका प्राकट्य हुआ था नदिया जिला में मायापुर जगह पर। उनके माता पिता बांग्लादेश, जो आज कहलाता है सिलेट नाम की जगह है, वहां से थे जगन्नाथ मिश्र और माँ सची। उनके घर में इनका प्राकट्य हुआ था, जन्म हुआ था चैतन्य महाप्रभु जी। ये स्वयं श्री कृष्ण के रूप हैं, स्वयं श्री कृष्ण हैं। इनके साथ में एक दूसरे और महापुरुष हैं, उनका नाम है, सन्यासी हैं, महान हैं, नित्यानंद महाराज। ये स्वयं बलराम जी हैं। इन बातों को जानने के लिए तो बहुत भजन चाहिए, बहुत आपकी शुद्ध हृदय पवित्रता हृदय में चाहिए। उस परमेश्वर का आभास अनुभव, उनके प्रति श्रद्धा विश्वास, शास्त्रों के प्रति विश्वास, अपने गुरु जी के प्रति श्रद्धा विश्वास प्रकट तभी होगी पूर्ण रूप से जब आपका हृदय पूर्ण रूप से पवित्र होगा। जितना पवित्र है, जितनी आपकी भावना पवित्र है, उतनी रूप से आपको प्रत्येक वस्तु प्राप्त हो जाएगी। लेकिन नित्यानंद प्रभु पूछते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी, आप एक एक शब्द को तीन तीन बार क्यों दोहरा रहे हैं? एक बार कह दिया काफी हो गया कि कलयुग में हरि का नाम लेने से ये जीव की मुक्ति है, कल्याण है, उद्धार है, गुड इनफ। आप एक एक चीज को तीन तीन बार कह रहे हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, कलो नास्ते नास्ते नास्ते, एक बार ही कह के दूर करो। बोल नहीं, नित्यानंद जड़मती बुझाई ले, मूर्खों को समझाने के लिए एक एक चीज को, एक एक शब्द को तीन तीन बार कहा जाता है। जो व्यक्ति अज्ञानता में है, अंधकार में है, माया ग्रसित है, भ्रम में है, मोह ग्रस्त है, उनको एक वस्तु को छह छह बार भी कहा जाता है तो भी शायद कम पड़े। तो मैं तो तीन ही बार कह रहा हूं। भगवान ने यहां कहा है कुछ देर पहले, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, अर्जुन ये आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। नैनम दहति पावकः, कोई अग्नि जला नहीं सकती। न च एनम कलेदयन्त्यापो, कोई जल इसको गीला नहीं कर सकता। न शोषयति मारुतः, और कोई वायु वेगवती वायु इसको सुखा नहीं सकती। अर्जुन ने सुन लिया, अर्जुन सुन रहा है शिष्य रूप से, सुन रहा है एकाग्र चित्त से, सुन रहा है। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना गुरु मान लिया है, अब सद्गुरु के चरणों में बैठ करके आत्मज्ञान ग्रहण कर रहा है। वो अवश्य सुन रहा है, लेकिन फिर भी गुरु जी का कर्तव्य है वो बार बार अपने शिष्य को एक ही बात को दोहराए, जिससे ताकि वो जीवन में उसको हृदयांगम करे, हृदय में उतारे, उसको कभी बिसरे नहीं, भूले नहीं, पूर्ण रूप से समझ ले। भगवान ने तुरंत ही कहा है, अछेद्यो अयम, ये आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई अस्त्र शस्त्र। अछेद्यो अयम अदायो अयम अचिंत क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः
ये शब्द नया दिया है। नित्या ये आत्मा इटर्नल है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, ट्रांसेंडेंटल है, इसको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता, न काट सकता है, न जला सकता है, न गीला कर सकता है, गला सकता है और ना सुखा सकता है। कैन नॉट ड्राई अप। ये नित्य है, ये इटर्नल है। सर्वगतः, इसकी स्थिति सभी जगह पर है। ये आत्मा अग्नि में भी है। सर्वगतः शब्द का मतलब है जो सर्वत्र है, ऑल परवेडेड। सर्वगतः ये आत्मा सभी जगह पर है, जल में भी है, थल में भी है, अग्नि में भी है, वायु में भी है, आकाश में भी है। तो जब शास्त्र कहते हैं कि सूर्य लोक के राजा विविश्वानु, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहेंगे चौथे अध्याय में, इमं विवश्वते योगं प्रोक्तवान अहम् अव्ययम् विविश्वान मन्वे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप स एवायं मयाते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असी मे सखा चेति रहस्यम एतद् उत्तमम्। हे अर्जुन, यही गीता का ज्ञान मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य लोक के राजा विविश्वानों को दिया था। तो लोगों को समझ में आता नहीं है क्योंकि शास्त्र ज्ञान नहीं, साधु संग नहीं, गुरुजी है नहीं, तो समझ में कैसे आए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सूर्य लोक के अंदर भी एक राजा है, जैसे पृथ्वी लोक के अंदर एक राजा होता है, ठीक वैसे ही। जैसे पृथ्वी के ऊपर सुंदर बाग बगीचे और सड़कें हैं, मार्ग हैं, ऐसे सूर्य लोक के ऊपर भी अति सुंदर फूल खिलते हैं। लेकिन कैसे हमारी समझ में आए, वहां के वातावरण के अनुसार वहां के प्राणी को शरीर मिलता है जो अग्नि में ही रह सके, जो वायु में ही रह सके, जो शरीर जल में रह सके। नहीं मिलता है मछली को, मछली को जरूरत नहीं है आपके ऊपर आने की, वो जल में ही रह सकते, जल के तले में आराम करती, बड़े मस्ती से सोती है, उधर ही खाती पीती है, उधर ही सांस लेती है, सब क्रियाएं करती है, समुद्र के तले के नीचे जाकर के। वो जल का शरीर उनको मिला है, वो कैपेसिटी है उनके शरीर के अंदर कि वो जल में रह ले। ऐसे ही अग्नि में भी शरीर होते हैं, अग्नि में रह सकते, नहीं जलते। तो ये आत्मा को, तो फिर जब शरीर को ही अग्नि नहीं जला सकती, ऐसे शरीर होते हैं, तो फिर आत्मा को कैसे जलाएगी अग्नि? क्या ये मन को अग्नि जला सकती है, जो कि आत्मा नहीं है, भौतिक तत्व है? नहीं, अग्नि नहीं जला सकती, ना बुद्धि को जला सकती, ना आपकी दसों इंद्रियों को जला सकती। ये तो सूक्ष्म शरीर के अंदर निकल के जाते हैं, ये सूक्ष्म शरीर को अग्नि नहीं जला सकती, वरना सारे हिंदू चिता के ऊपर जल गए होते और उनके मन बुद्धि अहंकार जल गए होते और वो तो मुक्त हो गए होते कभी के। जो अग्नि पर जलता वो मुक्त हो जाता। इसलिए पत्रों में पहले हम लिखते तो थे कि फला व्यक्ति वैकुंठ को प्राप्त हो गए हैं, या गोलोक वृंदावन चले गए हैं, या स्वर्ग को प्राप्त हो गए हैं। ये लिखना शाही के पेन से अलग बात है, लेकिन ये वास्तव में सच्ची बात तो तभी होती जब मन बुद्धि अहंकार और ये ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां या हमारा सूक्ष्म शरीर जो इनका एक संघात है, ये जल चुका होता उस अग्नि में, उस अर्थी के ऊपर, तब तो जरूर हम मुक्त आत्मा हो गए होते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह स्थूल शरीर जलता है,
चित जल पावक गगन समीरा, जो पांच तत्वों से बना है, ये तमोगुण से निकलने वाले पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि पांच तत्वों का बना ये पुतला, ये स्थूल शरीर जो इन आंखों से दिखाई देता है, ये तो अग्नि में जलता है, इसको हम जला के घर आ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर बैठा हुआ सूक्ष्म शरीर और आत्मा कैसे अग्नि में जलेंगे? जब इंद्रियां ही अग्नि में नहीं जलती, ये हाथों को आप इंद्रियां मत समझ लेना, ये हाथ तो इंद्रियों के उपकरण है काम करने के, इंद्रियां तो इनके पीछे ब्रेन में बैठी हुई है अति सूक्ष्म रूप से, डॉक्टर भी उसको टच नहीं कर सकता इतने सूक्ष्म रूप से, ना देख सकता। तो ब्रेन है, बुद्धि है, फिर मन है अति सूक्ष्म सतोगुण से प्रकट होने वाला, इसको कैसे डॉक्टर देखेगा, मन को किस उपकरण से देखेगा, नहीं देख सकता। तो ये मन जल नहीं सकता, मन जल गया होता अग्नि में तो कबीर जी क्यों लिखते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो आशा और तृष्णा कहां है, आपके मन में ही है ना, आपके मन में ही तो भोग विलास भरे हैं, या बुद्धि में, या अहंकार में, या विचारों में, या अभिलाषाओं में, ये छुपे हुए हैं, भरे हुए हैं। तो मन मर जाता तो ये अभिलाषाएं मर जाती और आप तो सभी मुक्त आत्मा हो जाते, जितने भी आज तक जले हैं चिता के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फिर ये आत्मा को कैसे जलाओगे? तो भगवान कहते हैं एकलेद्योऽयम, ये आत्मा तो जलनशील नहीं है, ये नहीं जलती, सोना जल सकता है, आत्मा नहीं जलती। अछेद्योऽयम, ये काटा नहीं जा सकता। एकलेद्योऽयम एदायोऽयम एसोश्चैव च, नित्य हो, ये इटर्नल है, इटर्नल है, इसका गुणधर्म जलने का नहीं है, गीला होने का नहीं है, कटने का नहीं है, ये नहीं कटती, नहीं नष्ट होती, अविनाशी, ये अविनाशी है, वेदा अविनाशनम, इसको अविनाशी जान अर्जुन। जय गोपाल। तिम्रांधश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टाकारिणे नमो वेदांत विद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिणी। जय गोपाल। आओ मेरे बहन भाइयों, मेरे प्रिय आत्मन सत्संगी जनों, श्रीमद् भागवत गीता का प्रवचन जीवन में जिस व्यक्ति ने सुना है सही रूप से, उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है, जीवन में खुशबू आने लगती है, जीने की एक कला उसके हृदय में प्रकट हो जाती है, जो भागवत गीता को सच्चे हृदय से सुनता है, शुद्ध भक्त के मुखारविंद से सुनने का बड़ा महत्व है। श्रीमद् भागवत गीता पथ दर्शक है, हमको मार्ग बतलाती है जीवन जीने का,
जिस मार्ग से चल करके हमको स्वयं माखन चोर मुरारी की अनुभूति होती है, उनके दर्शन होते हैं, उनका आनंद मिलता है, उनके श्री चरण कमलों की रज में लोटपोट होने को हमारा हृदय उत्साहित हो उठता है, उन भगवान के चरणों की धूल जिनको प्राप्त हो जाती है वो कृतकृत्य हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। आइए हम उस मदन मुरारी मनमोहन श्याम सुंदर के मुखारविंद से इस आत्मज्ञान का पान करें जिसको अर्जुन पान कर रहा है। भगवान ने कहा है कि ये ज्ञान मैंने सूर्यलोक के राजा विभीष्वानु को दिया था अर्जुन, और गुरु परंपरागत एक गुरु ने जाने की जब तैयारी की अपने शिष्य को दिया, शिष्य ने फिर अपने अगले शिष्य को गुरु को गुरु बनकर के अगले शिष्य को दिया, एवं परंपरागत ये चला आया। लेकिन द्वापर के अंत में ये गीता का ज्ञान, आत्मज्ञान और प्राय नष्ट हो गया था, इसलिए उस समय देखिए आपको महाभारत का पूरा अनुभव हो, ज्ञान हो, और महाभारत टीवी सीरियल भी आपने देखे हो तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी कि एक चक्रवर्ती सम्राट की पटरानी द्रौपदी को उनके ही देवर तमाम महाराजाओं की भरी हुई सभा में नग्न कर देना चाहते हैं। इससे बड़ी दुष्टता हृदय में क्या आ सकती है बताइए। अपनी भाइयों को, अपने चचेरे भाइयों को एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देना चाहते, और खुद पूरे बड़े महान भारत के जिसमें अफगानिस्तान सब वर्मा बड़े बड़े देश सम्मिलित थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, वर्मा, नेपाल, तिब्बत, ये सब भारत के ही अंग थे, ये महाभारत कहलाता था, इसके राज भोग करना चाहते हैं और अपने चचेरे भाइयों को, पांडवों को जो भगवान के भक्त हैं, सरल हृदय के हैं, किसी को सताते नहीं, किसी का दिल दुखाते नहीं, उनका सारा उनको कत्ल कर देना चाहते हैं, उनको मार देना चाहते हैं, भरसक प्रयास किया उनको जला के स्वाहा कर देने का। ऐसी अनीतियां ये इतिहास में एक जगह से उठाई गई हैं जिससे आप ध्यान देकर के सुन सकें, देख सकें कि चक्रवर्ती सम्राट धृतराष्ट्र उसके कुल में ऐसा हुआ। तो फिर छोटे मोटे कुलों की बात छोड़ दीजिए, जैसा राजा वैसी प्रजा, तो ऐसे ही अन्याय, अत्याचार, पापाचार फैले हुए थे, बेईमानी, दगाबाजी, धोखाबाजी, दुष्टता फैल चुकी थी। दुर्योधन कुछ समय के लिए खजांची नियुक्त किया गया था, उसने जनता को अपना बनाने के लिए चुपके चुपके सारा धन, जैसे एक भ्रष्ट नेता पैसे बांटता है वोट लेने के लिए, ऐसे जनता को अपना बनाने के लिए वो खजाना ही खाली कर दिया, और वो खजाना की पूर्ति युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन ने दूसरे दूसरे राजाओं से टैक्स लाला करके पूर्ति की। तो ये अत्याचार, अन्याय, अत्याचार होते थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये गीता का ज्ञान आज प्राय नष्ट हो गया है, तू मेरा मित्र है और मेरा सखा है, मित्र है और मेरा भक्त भी है, इसलिए अर्जुन वह ज्ञान तुझे मैं देना चाहता हूं, और दिया, एक बहाना बना दिया। अर्जुन के हृदय में कुछ ऐसी प्रेरणा भर दी कि अर्जुन बीच मध्य युद्ध के क्षेत्र में जहां दोनों सेनाओं के बिगुल बज चुके हैं, शंख बज चुके हैं, बस अब बाण वर्षा, तलवार वर्षा, भाला वर्षा, अस्त्र शस्त्र चलने वाले हैं कि अर्जुन अपने विपक्षियों को देख करके उदास होकर के रथ में बैठ गया है। भगवान की प्रेरणा से, उनकी प्रेरणा बिना कुछ नहीं होता, और स्पेशली उनके भक्तों को तो उन्हीं की प्रेरणा मिलती है। अर्जुन सर पकड़ के बैठ गया, मोह ग्रसित हो गया,
मोह ने अर्जुन को भ्रमित कर दिया, युद्ध करने से मना कर दिया। एवं उक्त्वा अर्जुनः संखे रथोपस्थ उपाविशत सहसृज विसृज सहसरम चापम शोक संविघ्न मानसः। दुखी हृदय को लेकर के आंखों में आंसू भरे हुए डबडबा के नीचे टपक रहे हैं। गांडीव धनुष त्याग दिया है। कृष्ण जी को बोलते हैं, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, इसमें तो मैं कैसे, मैं कथम कथम भीष्मम अहम संखे द्रोणम च मधुसूदना इशु भी प्रतियोत्स्यामी पूजारहा वरिसूदना। अरे कृष्ण, ये तो मेरे बाबा द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, कृपाचार्य है, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, कैसे मैं इनके ऊपर बाणों से वर्षा करूंगा, बाणों से इनका कैसे मुकाबला करूंगा, कैसे मैं मेरे बाबा भीष्म पितामह को मारूंगा। लेकिन अर्जुन पूरी तरह भूल गया कि जब द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, जब यही तेरा बाबा भीष्म पितामह नीचे को गर्दन करके बैठा था। इसने कहा, यह अगर शेर की तरह ललकारता कि दुर्योधन क्या करता है, ये नीच कर्म वृत्ति कहां से तेरे अंदर आ गई, चल खड़ा हो यहां से, तो दुर्योधन को जाना पड़ता। भीष्म पितामह बड़े कुशल युद्ध नीतिवान थे, दुर्योधन कुछ नहीं था भीष्म पितामह के आगे। गंगा पुत्र भीष्म, लेकिन नहीं, इन्होंने भी उन आताताइयों का समर्थन किया, उनके साथ युद्ध में उतरे, युद्ध करने के लिए, दुष्टों के साथ युद्ध करने के लिए उतरे, दुष्टों का पक्ष लिया है, इनको मार, मैं इनको मारने ही आया हूं। लेकिन अभी आत्मज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन को खड़ा कर रहे हैं, अर्जुन को खड़ा कर रहे हैं, अर्जुन यानी आत्मा, आत्मा को खड़ा कर रहे हैं इस जीवन को जीने के लिए, कि किस कला से, किस निपुणता से, किस ध्यान क्रिया से, किस भक्ति क्रिया से, प्रेम भाव से इस जीवन को जिया जा सकता है, वो अर्जुन को सिखा रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से हम सबको सीखने को मिल रहा है। भगवान कह रहे हैं कि अचेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्यो असोष्य एव च नित्य। ये आत्मा नहीं काटी जा सकती, नहीं जलाई जा सकती, नहीं गीला किया जा सकता इसे, और नहीं सुखाया जा सकता किसी भी रूप से, किसी भी कारण से, क्योंकि ये नित्य है, ये ट्रांसेंडेंटल है, स्पिरिचुअल है, इटर्नल है, आध्यात्मिक है। कैसे मारोगे इसे, कैसे काटोगे इन्हें, कैसे मरेंगे तेरे बाबा, तेरे गुरु, तेरे सगे संबंधी, कैसे, किसने किसको मारा है, किस आत्मा ने किस आत्मा को मारा है, किसके द्वारा कौन मारी गई है, कौन सी आत्मा मारी गई है। नैनम चिन्तन्ती अक्लेद्यो अयम, कोई इसको गला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, कोई जल ऐसा नहीं है, ये नित्य है। सर्वगतः, इसकी स्थिति सब जगह है। सर्वगतः भगवान के धाम में भी आत्मा है, भगवान के पास में, ये अर्जुन स्वयं आत्मा भगवान के पास, उधर भगवान खड़े हैं, इधर अर्जुन है, ये परमेश्वर है, ये आत्मा है, ये परम धाम में भी है, ये आत्मा वैकुंठ जगत में भी है, और भौतिक संसार में भी है, देव लोकों में भी है, ब्रह्म लोक में भी है, कैलाश पर्वत पर भी है, जल में भी है, थल में भी है, अग्नि में भी है, वायु में भी है, ऑल परवेडिंग, ये सब जगह है ये आत्मा, क्योंकि सभी जगह उस भगवान की किरणें छिटक रही है, सब जगह उनकी किरणों का प्रकाश है,
और उस प्रकाश स्वरूप से ये आत्माएं सब जगह फैली हुई हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आत्मा नहीं हो। इसलिए यहां भगवान कह रहे हैं सर्वगतः, ये सर्वत्र है, नित्य हो सर्वगत स्थानुर अचलो अयम सनातन। जय गोपाल। जय गोपाल। नित्य हो सर्वगतः, ये आत्मा सब जगह है, कण कण में, सभी जगह आत्मा मौजूद। जल में भी आत्मा है, पूछिए साइंटिस्ट से, जल में भी आत्मा है। कहां आत्मा नहीं, आपके ब्लड में आत्मा है, आपके सब सारे शरीर में आत्मा फैली हुई है। वो कीड़े के शरीर को धारण किए हुए आत्माएं, आपके मल में भी आत्माएं, थल में ही नहीं, मल यानी विष्ठा में भी आत्माएं, वहां भी आत्माएं, मूत्र में भी आत्माएं, आपके ब्लड में भी आत्माएं। कहां आत्माएं नहीं है, सब जगह है। सर्वगतः स्थानों स्थिर स्वरूप से, अनचेंजेबल, कभी चेंज नहीं होती, स्थिर रूप से। ये नहीं कि आज आत्मा ऐसी है, कल कलर बदल गया या कुछ और रूप बना लिया, नहीं, जैसी है तैसी, स्थिरता से। अचलो अयम सनातन, ये सनातन है, अचल है, अचल। जैसे हमारा मन चंचल है, मन को चंचल कहा है, बुद्धि भी चंचल है, जो बुद्धि जवान अवस्था में होती है वो बुढ़ापे में नहीं होती, इसमें कुछ कमियां आ जाती हैं, बदलाव आ जाते हैं। स्थाणुर अचलो, ये चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथी बलवद दृढ़म। ये बड़ा चंचल है मन, अर्जुन बोलता, लेकिन आत्मा चंचल नहीं है, अचल है, चलायमान नहीं होती कि आत्मा का स्वरूप एक दिन कुछ और है। आत्मा के साथ में जो भावना है, पवित्र भावना, शुद्धतम भावना, वो कभी बदल सकती नहीं, वो आत्मा के साथ जैसी है वैसी ही रहती है। सिर्फ उसके ऊपर जो धुआं छा जाती है हमारे काम भोगों की, उस कारण से हमको ऐसा लगता है कि आत्मा मलिन हो गई है, कहते हैं ये मलिन आत्मा है, ये नीच आत्मा है, लेकिन नहीं, आत्मा तो उतने ही स्तर पर रहती है, इसमें कोई चेंजिंग आती नहीं, अनचेंजेबल, कोई बदलाव नहीं आता इसमें। स्थानो अचलो, ये स्टडी है, स्टडीनेस है इसके अंदर, स्थिरता है इसके अंदर, सनातन है, फॉर एवर, हमेशा के लिए सनातन धर्म की जय हो। कहते हैं ये सनातन धर्म क्या है, आप ये नहीं सोचिए कि हिंदुओं के पास जो है उसको सनातन धर्म कहते हैं, नहीं, या क्रिश्चियनों के पास नहीं सनातन धर्म नहीं है, या सिखों के पास सनातन धर्म नहीं है, नहीं, सनातन धर्म तो तमाम विश्व के पास है, सारा सनातन, सारा विश्व ही सनातन धर्मी है। सिर्फ समझना है कि यह है क्या, गीता में आगे भगवान स्वयं बतलाएंगे, लेकिन मैं आपको यही बोल देता हूं थोड़े रूप में। ये जो हमारी आत्मा की भावना है, शुद्धतम भावना, इसको ही धर्म कहा है, यही सनातन धर्म है, ये सदैव के लिए आत्मा के साथ ही। आत्मा कभी जैसे बल्ब से प्रकाश को हम दूर नहीं कर सकते,
सूर्य से सूर्य की किरणों को कैसे दूर करोगे? ऐसे ही आत्मा से आत्मा की जो शुद्धतम भावना है उसको आप कैसे दूर करोगे, कैसे उसको मलिन करोगे? जो आत्मा मलिन नहीं हो सकती, आत्मा जल नहीं सकती, गीली नहीं हो सकती, अव्यय है, क्षीण नहीं हो सकती, तो उसकी भावना को भी कैसे क्षीण करोगे? जो सूर्य क्षीण नहीं हो सकता, डिम प्रकाश नहीं, एक जैसा ही प्रकाश सदैव देता है, उसके प्रकाश को डिम कैसे करोगे? तो जो भावना शुद्ध है वो सनातन भावना है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, योर ओरिजिनल स्थिति। आपकी जब आप अपनी ओरिजिनल वास्तविक स्थिति में होते हैं तब आपकी भावना शुद्धतम निर्मल स्वरूप से ही होती है, जैसे वो सदैव के लिए है, वो स्थिरता से है, स्थाणु, उसमें बदलाव नहीं है। उसके ऊपर बादल छा जाए वो बात अलग है, जैसे सूर्य को बादल ढक लेते हैं, ऐसे आपके काम क्रोध मद मोह मत्सर लालच भोग विलास घृणा नफरत बेईमानी ईर्ष्या जलन पाखंड आडंबर रिश्वतखोरी जमाखोरी दुष्टता धृष्टता ये कवर्ड कर सकते हैं उस शुद्ध भावना को, लेकिन वो तो अपनी स्थिति पर रहती है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं स्थाणु अचल हो, ये चंचल नहीं है, ये अचल है, ये स्टडीनेस रखने वाली है, ये भगवान की सदैव दास स्वरूप से इसकी स्थिति है, इसमें बदलाव नहीं आता। लेकिन हमको ये भ्रम घेर लेते हैं संसार के, माया महाठगनी है, माया इल्यूजरी पोटेंसी ऑफ लॉर्ड, लेकिन हम उस माया में उतरे हैं अपनी अभिलाषाओं को लेकर के, तो ये सभी का हमको भागीदार बनना पड़ता है। अभिलाषाएं जैसे होंगी, नीची अभिलाषाएं होंगी तो नीचे और उतरना पड़ेगा। अभिलाषाएं समुद्र के तले में जाने की हैं तो तले तक जाना ही पड़ेगा, और अभिलाषा यदि मार्स पर जाने की है, मंगल ग्रह पर, तो फिर उड़ान भरनी पड़ेगी, ऊपर आना जाना पड़ेगा। अच्छेद्यो अयम अदायो अयम एक्लेद्यो असोष्य एव च नित्यः स्थाणु नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलो अयम सनातना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, वेदा विनाशिनम, ये नष्ट नहीं होती अर्जुन। अछेद्यो अयम, पुनः कहा, अभी ये तीसरी बार कहा जिससे मूर्ख आदमी भी समझ सके, भगवान ने तीसरी बार कहा है तीसरे श्लोक में वही बात कि इसको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकते, कोई एटम इसके टुकड़े नहीं कर सकता, ना जला सकता। अछेद्यो अयम, देखिए तीसरा श्लोक है, अछेद्यो अयम अचिंत्यो अयम अदायो अयम अछेद्यो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनम नानुसोचितुम अरसि। हे अर्जुन, ये आत्मा को कोई काट नहीं सकता बच्चे, ये अछेद्य है, अचिंत्य है, ये चिंतन करने में भी नहीं आती, ये अचिंत्य है। भगवान चिंतन करने में नहीं आते, भगवान भी अचिंत्य है, उनकी माया भी अचिंत्य है, उनकी लीला भी अचिंत्य है, अरे ये शरीर भी अचिंत्य है, इस शरीर को ही चिंतन नहीं कर सकते, इसमें ऐसी ऐसी रचना भगवान ने की है। तो भी पृथ्वी मां को भी अचिंत्य है, चिंतन नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी जीव रचनाएं भगवान ने की हैं, ऐसे ऐसे नदी झरने गंगा जमुना सागर वर्षा ब्रह्मांड गैलेक्सीज
यूनिवर्स इज अनलिमिटेड, कैसे चिंतन करोगे? जब भौतिक का ही चिंतन नहीं होता हम लोगों से, तो ये आध्यात्मिक आत्मा का कैसे चिंतन होगा? इसलिए भगवान कहते हैं ये अचिंत्य है, ये चिंतन करने में भी नहीं आती, विचार करने में भी, विचारों की पकड़ में भी नहीं आती, अचिंतन अचिंतनीय है। एकमात्र इसे तो भगवान की भक्ति करके, भगवान का भजन करके, या भगवान का दास बन के, भगवान के ध्यान में मग्न होकर के ही अनुभव किया जा सकता है, जाना जा सकता है, सेल्फ रियलाइजेशन किया जा सकता है, इस आत्मा का रियलाइजेशन किया जा सकता है एकमात्र भजन करने से, ध्यान करने से, ध्यान में, ध्यान की गहराई में पहुंचने से। चिंतन में ये नहीं आती, चिंतन से परे है। चिंतन तो चित्त से ही होता है ना, बुद्धि से ही होता है ना, ये तो चिंतन से परे है, बुद्धि से परे की वस्तु है, मन से परे की वस्तु है, शब्द से परे की वस्तु है। कैसे शब्दों में इसको कहोगे, कैसे इस चिंतन करोगे आत्मा का? ये तो चिंतन से परे की वस्तु है, इसको तो अनुभव करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, विज्ञान उतर करके ही इसका अनुभव होगा, इसका रियलाइजेशन होगा। भगवान कहते हैं ये अचिंतनीय है, इसका चिंतन चित्त से, बुद्धि से नहीं किया जा सकता, मन से नहीं किया जा सकता, ये इनसे परे है, शब्द से परे है, मन से परे है, चिंतन से परे है। चिंतन तो चित्त से ही किया जाता है। अछेद्यो अयम अचिंत्यो अयम अविकारियो अयम उच्चते, और ये अविकारी है, इस आत्मा में कोई किसी प्रकार का विकार प्रकट नहीं होता। दूध में विकार आ जाता है, दूध के अपन लेते हैं डब्बा दूध का, तो उसके ऊपर डेट लिखी हुई होती है, तारीख, कि इस तारीख के बाद इसको इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इसमें विकार आ जाएगा। दही में विकार आ जाएगा, फल में विकार आ जाएगा, ये शरीर में विकार आ जाता है। सूक्ष्म शरीर में हमारे मन में भी विकार आ जाता है, बुद्धि में भी विकार आ जाता है, अहंकार में भी विकार आ जाता है। ये तमाम भौतिक सृष्टि में विकार पैदा हो सकता है, इसकी प्रलय हो सकती है। ये पृथ्वी बड़ी भी हो सकती है फूल करके, और ये नष्ट भी हो सकती है। विकार, कोई भी प्रकार का विकार इसमें आ सकता है, सुनामी, भूकंप, बालकेनोस, और दो टुकड़े भी हो सकते हैं, चार टुकड़े भी हो सकते हैं, क्षत विक्षत हो सकती है, जल सकती है, बर्न आउट हो सकती है, पृथ्वी है, मैटेरियल है, लेकिन आत्मा तो स्पिरिचुअल है। ये कहते हैं भगवान इसमें विकार नहीं पैदा होता अर्जुन, ये विकार रहित है। छह विकार हैं ये हमारे शरीर में, वो विकार आते हैं, छोटा सा बबल होता है, बबल बड़ा होता है, बड़ा होके बाहर निकल के आता है, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, खेलने लगता है, स्कूल जाने लगता है, ये इसमें विकार पैदा होते हैं। जवान होता है, फिर बुढ़ापे की ओर जाता है, कुछ बीमारियां घेर लेती हैं और मृत्यु की ओर चला जाता है, जल जाता है, विकार युक्त है। सूक्ष्म शरीर भी विकार युक्त है, तो कारण शरीर भी विकार युक्त है, उसमें भी प्लस माइनस हो सकते हैं, उसमें भी विकार आते हैं। आत्मा में प्लस माइनस होता ही नहीं, ना तो इसमें कुछ जोड़ा जा सकता ना इसमें से कुछ घटाया जा सकता है, ये विकार रहित है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अछेद्यो अयम अचिंत्यो अयम अविकारियो अयम उच्चते तस्मादेवम
विदित्वैनम नानुसोचितुम अरहसि। इसलिए अर्जुन ऐसा जान करके तू किसी प्रकार का दुख मत मना, तू दुखी मत हो। जय गोपाल।